शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है मिस्टर रमाकांत सहाय। तुम्हें शर्म आने लगी है मुझे अपना बाप कहने में, क्योंकि मैं गैर कानूनी काम, ड्रग्स, हथियार, मौत का व्यापार करता हूँ। देशद्रोही हूँ मैं। हाँ मैं हूँ, देशद्रोही हूँ मैं, देशद्रोही हूँ मैं। अब राज खुली गया है तो सुन, हमारी दुनिया दौलत और मौत का वो चक्रव्यूह है जिसमें एक बार दाखिल हो जाओ तो कोई वापसी नहीं, समझे? तुम इस दुनिया में दाखिल हो चुके हो मिस्टर राजनाथ सहाय। अब कैसी तबीयत है काजल की? घबराने की कोई बात नहीं है राज, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। क्या मतलब? माँ बनने वाली है, ख्याल रखा कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। दे दीना झटका, अगर आज तुम बेहोश नहीं होती तो इतनी बड़ी बात का मुझे पता नहीं चलता। हाँ, अगर आज हम बेहोश न होते तो इतनी बड़ी बात हमें भी ना पता चलती। मां बनकर पूरी औरत बन गई हो, पहलियां भी बुझाने लगी हो, हाँ? बस इसी चीज की कमी थी। अब देखना, मैं कोई कमी रहने नहीं दूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, अपनी हर कीमती शय। नहीं, क्या क्या देना चाहते हैं आप? जुर्म और कतल से कमाई हुई ये दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वो कमाई जिसके पैसे पैसे में से बेगुनाह इंसानों का लहू टपक रहा हो। काजल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों की जान लेने में आप हिस्सेदार तो बने, और आपके साथ साथ हम भी इस पाप में शामिल हो गए। इस महल की छत के नीचे रहती रही, जिसके हर एक ईंट के नीचे ग्लास दबी हुई है, इस मुर्दा घर में गूंज रही चीखों से हमारा दम घुटता है। दम, आखिर हमारा कसूर क्या है? कसूर ना मेरा है ना तेरा, कसूर हमारे दामन का है जिसमें फूल भी गिरे तो कांटे बन गए। मैंने कुछ नहीं किया काजल, कुछ नहीं किया मैंने। अरे आपने तो हमारे जीने का मकसद ही छुटला दिया राजू। मां बनने से पहले ही हमारे दूध में जहर घोल दिया, हंसने हंसाने की बातें करते करते हमें इतना रुला दिया कि आंसुओं के सैलाब में हमारे प्यार का आशियाना ही बह गया। और ये हमारी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को हम ऐसी दुनिया देंगे जिसमें पलकर वो एक देशद्रोही दरिंदा बनेगा, और हम होंगे उस दरिंदे की बदनसीब माँ। एक दिन लाशों के ढेर पर बैठे हुए
हम अपने बच्चे के शरीर पर गोलियां उतरते देखेंगे। अगर जुर्म की दुनिया का अंजाम ऐसी ही दर्दनाक मौत है तो इसे जिंदगी देने का क्या फायदा? नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, नहीं काजल, बस करो काजल, बस करो, नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, बस करो काजल, मैं छोड़ दूँगा ये दुनिया, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। मैं अपने बच्चे को उसकी विरासत में वो नहीं दूंगा जो मुझे मेरे बाप ने दिया है। उसकी विरासत में होंगे तेरे सपने, उसकी विरासत में होंगे मेरे सपने जो हम दोनों ने मिलकर संजोए। मैं वादा करता हूं काजल, मैं वादा करता हूं हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में नहीं पैदा होगा, हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में आंखें नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा आंखें। तुम भी कमाल करते हो रमाकांत, 4 महीने हो गए राजू को घर छोड़े हुए और तुम मुझे आज बता रहे हो। कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब, राजू के सिर्फ एक सिग्नेचर ना होने की वजह से हमारा करोड़ों का माल बीच समंदर अटका है, जल्दी नहीं निकाला सोना मिट्टी होते देर नहीं लगेगी। ऐसा हो गया तो हमारा सारा धंधा फिक्स हो जाएगा, है ना पीताम्बर भाई? रहता कहाँ है वो, अपने ससुराल के यहाँ? नहीं, एक बस्ती में किराए का मकान है। क्या, हमारा वारिस एक मामूली सी बस्ती में रहता है? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी ब्याह करो तो अपने बराबर के घर में, यहीं पर गलती कर गए तुम। मैं क्या करूं भाई साहब, वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। गजन, राजू से कहो हमसे आकर मिले। राजू, लगता है कि हमसे तुम कुछ नाराज हो। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, और फिर आजकल के जमाने में ये असूल, आदर्श, ईमानदारी की बातें, ये सब इंसान को कमजोर बनाती हैं। तुम तो समझदार हो, तुम्हारा एक छोटा सा घर है, एक नेक पत्नी है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारी मामी से बहुत प्यार करता था, आज उसी का श्राद्ध है। जब तुम्हारी मामी का स्वर्गवास हुआ तो उसकी कोख में मेरा वारिस था, अगर वो होता तो आज तुम्हारी उम्र का होता। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मामी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। वो मेरे कारोबार के रास्ते में आने लगी थी। मैं नहीं चाहता कि कल फिर से वो एक्सीडेंट हो। तुम ये बस 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 बस, अगर एक लफ्ज और कहा तो इसी हवन कुंड में मैं तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। गजराज चौधरी, ध्यान से सुन, मेरा और मेरे परिवार का तेरी इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। कॉमन सेंस की बात है, आज जो खून अपने खून के लिए पानी हो सकता है, कल हम सबके लिए जहर भी बन सकता है। इतने सालों की मेहनत से बनाई हुई सल्तनत को क्या आप मलबे का ढेर बनता हुआ देखना चाहेंगे?
है मेरे। काजल मैं जा रहा हूँ। राजू जाना मत, हम आ रहे हैं। ओहो काजल, I'm getting late यार। एक मिनट प्लीज। ओहो क्या बात है, अरे अरे ये क्या कर रही हो? आज करवा चौथ। ओहो अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कम ऑन यार, आफ्टर ऑल आई एम पत्नी व्रता हस्बैंड यार। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं होता। तुम हिंदुस्तानी औरतें भी बड़ी अजीब होती हो। अच्छे भले आदमी को भगवान बना देती है। एक औरत के लिए उसका सुहाग ही भगवान होता है ना? ए, अपने इस भगवान को भोग नहीं लगाओगी? हम्म, क्यों? तो हम ही लगा देते हैं। क्या क्या? मगर सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा मिस्टर। ओह यू मीन गिफ्ट, नो प्रॉब्लम, श्योर श्योर, अभी लाया। यू गया यू आया। ए काजल, तुम भी क्या याद करोगी किस गरीब से पाला पड़ा है? हाँ, राजू